जाम देखिए, हमें इस जाम से खुशी इस बात की है कि मुझे लगता है कुछ चेंजेस होगा, क्योंकि जो मायावती का लॉ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट था, हम चाहेंगे भी कि अगर वो आ जाए तो आई थिंक द एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी बेटर। एडमिनिस्ट्रेशन और मायावती, मैं छोटा था उस समय और एडमिनिस्ट्रेशन मैंने देखी है मायावती की, एंड इट इज़ वेरी नाइस, और मैं चाहूंगा कि मायावती आ जाए। तो मैं इस जाम से आज खुश हूँ। जाम तो पुलिस वाले हटा ही रहे हैं, वो हट भी जाएगा, बट आई एम रियली हैप्पी, और मैं चाहूंगा कि आप भी एक ग्लास पानी हमारे यहाँ के पिए, क्योंकि आप भी बहुत थके हुए। थैंक यू। एक बात हम आपको और बता दें, जो मायावती ने सुंदरता, जो लखनऊ की शुरुआत हुई है, लखनऊ को जो ब्यूटिफिकेशन किया है, एंड दैट वॉज इनिशिएटेड बाय मायावती, नो वन एल्स। अपना परिचय दीजिए। शीतल कुशवाहा, इंजीनियर शीतल कुशवाहा, माधोगढ़ प्यासी प्रभारी। इस जनसभा आपको देखकर क्या लग रहा है? सबसे पहले आप सभी गोयम मीडिया, अदानी साहब, राहुल लाइव 85, सब दावा सब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप कल से आए, 100 डे हुए हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं जनसैलाब दूर आने से भी 1-1.5 घंटा पहले, बल्कि कल शाम से ही पूरा आज समर्थक जितना भी हमारा बोलसवान मीडिया से लेकर के, चाहे समर्थक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे विचारधारा जुड़े हुए हैं, सब आ रहे हैं आज माननीय फैसले को, तो उत्सुकता देखने के लिए। जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, हमारे लोग अभी पहुँच नहीं पा रहे हैं, गाड़ियाँ पहुँच नहीं पा रहे, पैदल लोग आ रहे हैं। सभी साथियों को, जितने भी समर्थक, जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी समाज पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पैदल चल करके हाथ पहुँच रहे हैं। माननीय श्री काशीराम जी ने बहुजन वॉलंटियर फोर्स बनाई थी, जिनके कुछ जवान सैनिक हमारे साथ हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आइए सर, आप अपना परिचय दीजिए और अपनी BVF फोर्स के बारे में बताइए। बहुत बहुत साधुवाद आपको, समता न्यूज को। ये समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित भारत की पहली सेना है, और भारत की पहली सेना सुरक्षा के लिहाज से भारत के अंदर तमाम महापुरुषों की सेवा में, सुरक्षा में काम करती है, बहुजन समाज की सुरक्षा में क्या काम करती है, समाज को न्याय दिलाने के लिए काम करती है। आज माननीय साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर समता सैनिक दल बहन कुमारी मायावती के संरक्षण में, और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से तमाम हमारे बहुजन साथी आए, उन सब की सुरक्षा में और उनकी सेवा करते हुए समता सैनिक दल कल से अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। समता सैनिक दल इसी प्रकार से बहुजन समाज को सेवा देता रहेगा, और माननीय साहब काशीराम जी के मिशन को भी आगे बढ़ाने में सहयोग करता रहेगा। जी देखिए, यहाँ पे महिला भी, समता सैनिक में महिला भी आई, इनसे बात करते हैं। जी अपना परिचय दीजिए। जी मैं सुधा बौद्ध, समता सैनिक दल की जिला कमांडर। हाँ तो बताइए, आप अपनी अपने दल के बारे में कुछ बताइए। जी हमारा समता सैनिक दल एक ऐसा दल है जो महिलाओं पर हो रहा अत्याचार को खत्म करने पर लगा हुआ है। आजकल हो रहे महिलाओं पर अत्याचार लगातार बलात्कार होते जा रहे हैं, उसी को खत्म करने पर ये समता सैनिक दल बना हुआ है। एक दिन ये सब खत्म करके ही रहेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं, जो बहन जी ने भाषण दिया है वो इनका क्या सार समझते हैं, आइए सब बताइए। जी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा बात बताई है, और हम गरीबों के लिए सेवा करने की अपना। हम लोग मऊ से आए हुए हैं। हाँ जी अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए, अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। संजय मऊ से, बालकरण मऊ से। राम विलास, मैं उमा शंकर राजवंशी, ग्राम रेडपुर शर्मा जनपद मऊ से। देख लिया कि राजभर भाग गया नार में, देख लिया ना, बताइए जी सर, बताइए। नहीं हाँ लोग जी सर, अपना परिचय दीजिए और कुछ बताइए, जो मायावती जी ने जो भाषण दिया उसका कुछ सार बताइए। अच्छा अच्छा, तो पहले परिचय दें, हमारा नाम सुबोध राम है, एक से मेल सी ना, प्रमुख सचिव, प्रमुख सेक्टर प्रभारी वाराणसी मंडल। आज को आप लोग किस पेपर से हैं? सर हम जनता आवाज़ TV से हैं। जनता आवाज़ TV से। आज बहन जी ने जो बोला है वो सत्यवाद बोला है ना, उन्होंने साम दाम दंड भेद छल कपट करके ना हमारे लोग को गुमराह करना चाहता है, और दिखाने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ है ना उन्होंने, और जो उन्होंने मांग किया है वो मांग को पूरा कर दे हैं, लेकिन वही मंडल कमीशन का जो है रिपोर्ट, और बाबा साहब को भारत रत्न के लिए कांशीराम साहब ने प्रस्ताव किया था, और बांझी सांसद थी, उन्होंने कहा कि हम तीन लोगों को आपको समर्थन देंगे, लेकिन ये तीन काम करना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है, और यहाँ से नेता भले निकल जाए लेकिन जनता नहीं निकलती है,
और राजभर समाज तो हमेशा ये कहता है कि नेवता वही पहुंचाना चाहे जहाँ निमंत्रण लौट के आवे। हम लोग जिंदगी भर दही पहुंचाते रहे, वहाँ से लौट के आया नहीं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ जब समझौता किए तो हम लोगों ने प्रधान भी हो गए और सबसे ज़्यादा राजभर प्रधान हुआ, BDC हुआ, ब्लॉक प्रमुख हुआ और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष तक हम लोगों ने बनाया। और अच्छा बनाया और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने उनको सबसे बड़ा, सुनिएगा, हम लोगों ने सबसे बड़ी कुर्सी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी स्पीकर की कुर्सी होती है। अरे भाई देखिए, स्पीकर की जो कुर्सी होती है सबसे बड़ा, माननीय सुखदेव राजभर को दिया और कैबिनेट मंत्री दिया, कह गए कैबिनेट मंत्री और विधायक दिया। और एक तो जितना सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिया है उतना सम्मान वो लोग केवल अपना स्वार्थ पूरा करेंगे। और ये राजभर समाज समझती है, राजभर समाज ये समझती है कि ये नेता लोग अपने स्वार्थ में भाग रहे हैं, हमारे स्वार्थ में नहीं भाग है। क्योंकि हमारा जो है दलित और राजभर समाज हमेशा कमेरू समाज रहा है, एक साथ रहा है और हम लोगों का भला इसी में होगा। इतना जाम लगाए क्या कारण है? देखिए, मैं जाम के लिए मैं किसी प्रशासन को दोष नहीं दे सकता हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इन सारी पार्टियों को जितने भी इनके व्यक्तिगत प्रोग्राम्स हैं पार्टियों के, इनको शहर के बाहर रखना चाहिए ताकि जो आने जाने के लोगों की बाधाएँ हैं इनमें कम व्यवधान हो। विद्यार्थियों का लेके जो एम्बुलेंस वगैरह फंसती हैं इनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो सके, इस पर हमारे सरकार को कोई उचित कदम उठाना चाहिए। अवधेश दिनकर, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष बबेरू, जनपद बांदा। देखिए, आज जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव श्री कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था, उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि के लिए जो है सभी लोग एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। सभी साथी अपने हिसाब से यहाँ उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और कार्यक्रम के समापन के बाद चूँकि इकट्ठा सभी लोग अपने अपने तरफ जाने के लिए, उसी कारण थोड़ा हल्का फुल्का ये जो है अव्यवस्था हो रही है। तो भी हल्का फुल्का है या लखनऊ जाम कर दिया? नहीं, वो तो कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, बहुत कई लाखों पर यहाँ पर जो है जाम कर दिया लखनऊ। जी, जाम हो गया वहाँ। वो तो बिल्कुल जो है 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना तय है। ये आज लखनऊ की धरती से जो है एक मैसेज गया है, आगाज हुआ है, मैसेज गया है और अब बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनना तय है। ब्राह्मण पहले से भी BSP में जुड़ा था, कई बार BSP की सरकार भी बनी और खास करके भाजपा सरकार में ज़्यादा ब्राह्मण उत्पीड़ित हुआ है। ब्राह्मण उत्पीड़ित ज़्यादा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बदौलत निर्माण हो रहा है। 370 राम मंदिर बन गया, मंदिर तो मंदिर मंदिर मस्जिद ये तो सब बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। 2022 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ब्राह्मण पूरा बसपा के साथ है? हाँ, पक्का। अभी जगह के बारे में जानेंगे और मैं इस समय रिजोर्ट के सामने खड़ा हूँ। ये रिजोर्ट है MR बैंकोट रिजोर्ट, जहाँ पर शादियाँ वगैरह होती हैं। आज इनसे जानेंगे क्या इससे पहले कभी ऐसी स्थिति हुई है। सर परिचय दीजिए। जाम के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? जाम के बारे में जी। जाम देखिए, हमें इस जाम से खुशी इस बात की है कि मुझे लगता है कुछ चेंजेस होगा, क्योंकि जो मायावती का लॉ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट था, हम चाहेंगे भी कि अगर वो आ जाए तो आई थिंक द एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी बेटर। परिचय में क्या बताऊँ, मेरा नाम कुणाल है और जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी का साथ देना ना देना वो अलग बात है। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट से नहीं हूँ, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, बट एडमिनिस्ट्रेशन और मायावती मैं छोटा था उस समय और एडमिनिस्ट्रेशन मैंने देखी है मायावती की एंड इट इज़ वेरी नाइस। और मैं चाहूँगा कि मायावती आ जाए, तो मैं इस जाम से आज खुश हूँ। जाम तो पुलिस वाले हटा ही रहे हैं, वो हट भी जाएगा, बट आई एम रियली हैप्पी। और मैं चाहूँगा कि आप भी एक ग्लास पानी हमारे यहाँ के पिए, क्योंकि आप भी बहुत थके हुए। थैंक यू। प्रतिनिधित्व बदलेगी और जैसा कि हम चाहते हैं, हम लोग महिला, जैसे मैं भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ एंड वी सी डैट मेरी वुमेन आर वर्किंग, तो हम भी चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर भी हमारी वुमेन आए। एक औरत का मुख्यमंत्री बनने से लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन सुधरेगा और संभलेगा, ये बात आप मान लीजिए, लिख लीजिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि BJP तो मोदी जी पूरे विश्व में छा गए। मोदी जी पूरे विश्व में छा गए ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो पहले कोई प्रधानमंत्री का नाम पूरे
नहीं नहीं नहीं, पहले भी हुआ है, इंदिरा गांधी जी का हुआ, राजीव गांधी जी का हुआ, सभी का हुआ, सबका अपना अपना समय है। मायावती जी आपको क्यों पसंद है मुझे ये बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन, द लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सिंपल सिंपल दो बातें हैं, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो मायावती ने किया अभी भी गंभीर है, अभी योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो मायावती जी ने किया, एक बात हम आपको और बता दें, जो मायावती ने सुंदरता, जो लखनऊ की शुरुआत हुई है, लखनऊ को जो ब्यूटिफिकेशन किया है, एंड दैट वाज इनिशिएटेड बाय मायावती, नो वन एल्स। जी जी, बीजेपी ने मंदिर बनवा दिया, देखिए मंदिर बीजेपी नहीं बनवा रही है, मंदिर राम जी बनवा रहे हैं, और राम जी हम सबके हैं, राम जी बीजेपी के भी नहीं है, कांग्रेस की भी नहीं है, अखिलेश जी की भी नहीं है, मायावती की भी नहीं है, राम जी हम सबके हैं, राम जी हिंदू के भी है, मुसलमानों के भी हैं। इट इज नॉट द मंदिर इज नॉट मेड बाय, मंदिर जो है बीजेपी नहीं बनवा रही है, मंदिर राम जी खुद बनवा रहे हैं, संविधान बनवा रहे, संविधान और राम जी दोनों जो है साथ साथ चल रहे, इसमें इसमें जो है किसी मतलब तर्क ये नहीं कि बीजेपी, बीजेपी उसमें इनिशिएटिव लिया, डेट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम जी अपनी जगह खुद बनाते हैं। देखिए मैं आपको एक सिद्धांत बताता हूँ, एक कहावत है, जब माता रानी बुलाएंगी तभी आप वैष्णो देवी जा पाएंगे, माँ का बुलावा है तभी आप जा रहे हैं, तो उसी प्रकार राम जी चाहेंगे तभी मंदिर बनेगा, तभी मंदिर बन रहा है, एज सिंपल एज दैट, भगवान आपसे पूजा लेना चाहेगा तभी आप पूजा कर पाएंगे। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।